जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम एससी एसटी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। सर, जहां हम बात कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो विदाउट रेवोल्यूशन एवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, एंड फॉर एवोल्यूशन टू टेक प्लेस इन आवर कंट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ओबीसी वुमेन्स गेट द रिजर्वेशन, दैट द एससी एसटी वुमेन्स गेट द रिजर्वेशन एंड दैट द माइनॉरिटीज वुमेन ऑल्सो गेट दिस रिजर्वेशन सर। और सर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी और इसका निधिध्यासन भी करेंगी। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना लें और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर, समाजवादी पार्टी की मांग को मैं दोहराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और एससी एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती जनकौ मीना जी, देखिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए।